हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ग्लूकोमा। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोमा एक आई कंडीशन है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये कंडीशन पर्सन को तब होगी जब आपके आईज़ का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, आईज़ में जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो पर्सन को काफ़ी सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं और पर्सन की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है। ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से इन फ्यूचर ब्लाइंडनेस एक कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। ग्लूकोमा एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये ओल्डर एडल्ट्स में हो सकता है, जैसे कि 60 ईयर के बाद इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इनिशियल स्टेज में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को कोई भी सिम्टम नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है और कंडीशन सीवियर होती है तब पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं, उनको आईज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होगी, आईज़ में पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को हेडेक की कंप्लेन होती है, ब्लर्ड विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें सब कुछ फॉगी टाइप का दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन को नौजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को आईज़ में रेडनेस हो सकता है, उन्हें क्लाउडी विजन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चों को ग्लूकोमा होता है तो उनको कुछ डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उनको क्लाउडी विजन की कंप्लेन हो सकती है, उनको आईज़ में बहुत ज़्यादा टियरिंग होती है, विदाउट किसी रीज़न के उन्हें टियरिंग होती है और वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लग जाते हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों में ऐसे सिम्टम आते हैं कि जब भी वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका विजन ब्लर होने लग जाता है और उनको ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइड विजन की कंप्लेन होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों होती है, लेकिन कई सारे रिस्क फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कुछ मेडिकल कंडीशंस है। अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, बहुत साल हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को माइग्रेन की कंप्लेन है, या फिर अगर किसी पर्सन का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या फिर अगर कोई पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ग्लूकोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आईज़ का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, किसी को पहले से ही ग्लूकोमा था, तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एज 55 से ज़्यादा है तो आपको ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा उन लोगों को भी हो सकता है जिनकी आईज़ में कोई सर्जरी हुई थी या फिर कोई इंजरी हुई थी उनको आईज़ में, तो ऐसे लोगों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप किसी स्टेरॉयड ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सालों से आप अपनी आईज़ में कुछ ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं जिसमें स्टेरॉयड कंटेंट है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप प्रूनस पाइनोसा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप बेलाडोना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फॉस्फोरस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ग्लूकोमा। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।